क्या आप 150 या फिर 160 सीसी के सेगमेंट में एक बेहतर बाइक लेना चाहते हो और आप कंफ्यूज्ड हो? यामा की एफजेड एस V3 और हीरो की एक्सट्रीम 160R स्टेल्थ एडिशन के बीच में, तो यह वीडियो खास तौर पर आप ही के लिए है। आपके सभी सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में आसान शब्दों में मिल जाएंगे, क्योंकि मैं इन दोनों बाइक के बीच में मैसिव कंपैरिजन करने वाला हूं, जिससे आपको पता लगेगा आपके बजट और आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको कौन सी बाइक खरीदनी चाहिए, आपके लिए कौन सी बेहतर बाइक होगी। तो गाइस, सबसे पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, टेक्निकल SHT YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष हाजिर हूं सभी के सामने एक बार फिर से। इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही एक बात क्लियर किए देता हूं कि मैं आपको इन दोनों बाइक के डिटेल में फीचर्स के बारे में नहीं बताऊंगा, बल्कि मैं आपको डिटेल में यह बताऊंगा यामाहा की एफजेड एस V3 से आपको हीरो की एक्सट्रीम 160R स्टेल्थ एडिशन में क्या बेहतर मिलता है और हीरो की एक्सट्रीम 160R स्टेल्थ एडिशन से आपको यामाहा की एफजेड एस V3 में क्या बेहतर मिलता है। तो आइए गाइस, बिना देरी किए कंपैरिजन की स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यामाहा की एफजेड एस V3 के डिजाइन की। गाइस, सबसे पहले मैं आपको इस बाइक का वॉक अराउंड करके दिखा देता हूं। गाइस, ये है इस बाइक की राइट प्रोफाइल और गाइस ये है इस बाइक की लेफ्ट प्रोफाइल। आइए गाइस, अब मैं आपको इसकी रियर प्रोफाइल आपको फुल फ्रेम में दिखाता हूं। ये देखिए कुछ इस तरीके की है। और गाइस, ये है इस बाइक की फ्रंट प्रोफाइल, जिसमें आप इसके हेड हैंडल ORVM के डिजाइन को देख रहे हैं। इस बाइक में आपको कोई भी वाइजर नहीं मिलता है, आप कह सकते हैं कोई भी आपको विंडशील्ड नहीं मिलता है। फुल LED हेडलैम्प सेटअप मिलता है और नीचे की तरफ आपको चिन में एक छोटा सा बल्ब मिलता है, जो कि हैलोजन बल्ब है। यहां पर आप देख सकते हैं यामाहा का लोगो लगा हुआ है। इस बाइक में आपको नॉन फ्लेक्सिबल साइड टर्न इंडिकेटर मिलते हैं, जिसमें कंपनी ने बल्ब का यूज किया है। फ्रंट सस्पेंशन की अगर बात की जाए तो इस बाइक में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलते हैं। इस बाइक के फ्रंट मडगार्ड का डिजाइन कुछ इस तरीके का है। इस बाइक में आपको फ्रंट मडगार्ड डुअल टोन में मिलता है। इस बाइक में आपको 17 इंचेस के अलॉय व्हील मिलते हैं। अलॉयज का पैटर्न कुछ इस तरीके का है। आइए गाइस, अब बात करते हैं इसके फ्रंट टायर की। फ्रंट में आपको C8 कंपनी का ट्यूबलेस टायर मिलता है, जिसका साइज भी मैं आपको दिखा देता हूं, जो कि है 180/17। इस बाइक में आपको सिंगल चैनल ABS मिलता है। फ्रंट डिस्क प्लेट साइज है 282 mm। इसके एलॉयज का पैटर्न मैं आपको यहां से भी दिखाता हूं। गाइस, इस बाइक के टैंक का डिजाइन कुछ इस तरीके का है। डॉल टोन में आपको इस बाइक में टैंक मिलता है। आप देख सकते हैं यहां पर यामाहा का लोगो लगा हुआ है और यहां पर कंपनी ने FZS को 3D में मेंशन किया है। उसके नीचे वर्जन 3.0 को मेंशन किया है और यहां पर कंपनी ने विद ग्रिल स्मार्टली क्रोम का यूज किया है। गाइस, इस बाइक में आपको 13 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है और आपको इस बाइक में ब्लूटूथ की भी कनेक्टिविटी मिलती है। इसके इग्निशन को कंपनी ने यहां पर दिया है। आइए गाइस, अब मैं आपको इस बाइक के हैंडल का डिजाइन दिखाता हूं, जो कि कुछ इस तरीके का है। देखते हैं लेफ्ट हैंडल पर क्या-क्या मिलता है। इंटीग्रेटेड आपको पासिंग स्विच मिलता है, इससे आप 3 काम कर सकते हो, लो बीम, हाई बीम, पासिंग। उसके नीचे आपको साइड टर्न इंडिकेटर स्विच मिलता है। उसके नीचे आपको एक हॉर्न का स्विच मिलता है। राइट हैंडल पर आपको डेडिकेटेड इंजन किल स्विच मिलता है। उसके नीचे आपको एक सेल्फ का स्विच मिलता है। इस बाइक की चाबी का डिजाइन कुछ इस तरीके का है। नॉर्मल चाबी मिलती है, कोई भी आपको वेब की नहीं मिलती है। आइए फटाफट से इसके इग्निशन में इसकी चाबी को करते हैं इंसर्ट। इग्निशन को ऑन करते ही इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की जो स्टार्टिंग है कुछ इस तरीके से होती है। इसमें आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी, जैसे कि टैकोमीटर, ऑडोमीटर, स्पीडोमीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल गेज, और इसी के साथ साथ आपको इसमें ब्लूटूथ की भी कनेक्टिविटी मिलती है। इस बाइक के इग्निशन को ऑन करते ही इसकी हेडलाइट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है। ये आप इसका हाई बीम देख रहे हैं। आइए गाइस, अब बात करते हैं इसके इंजन की। इस बाइक में आपको 149cc का सिंगल सिलेंडर एयर कूल BSX-FI 4-स्ट्रोक 2-वाल्व इंजन मिलता है। इसके इंजन की मैक्सिमम पावर है 12.2 bhp की और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 13.3 न्यूटन मीटर का। यहां पर आपको इंजन कॉल भी मिलता है और इस बाइक में आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ गियरबॉक्स मिलता है, जिसका पैटर्न है फर्स्ट डाउन, ऑल अप और साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ फीचर भी मिलता है। इस बाइक की सीट का डिजाइन कुछ इस तरीके का है। राइडर के लिए बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है और सॉफ्ट भी है। रियर में आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिलते हैं। रियर टायर की अगर बात की जाए तो रियर में भी आपको C8 कंपनी का ही ट्यूबलेस टायर मिलता है, जिसका साइज भी मैं आपको दिखा देता हूं, जो कि है 140/60 R17। यानी कि रियर में आपको रेडियल टायर मिलता है। एक बात मैं आपको कंफर्म करना चाहूंगा, इस सेगमेंट में जितनी भी बाइक आती हैं उन सभी में इस बाइक का जो रियर टायर है सबसे चौड़ा है,
यह है इस बाइक की प्रॉपर रियर प्रोफाइल, इसकी टेल लाइट और इसके साइड टर्न इंडिकेटर में कंपनी ने बल्ब का ही यूज किया है। इस बाइक की ग्रैब रेल का डिजाइन कुछ इस तरीके का है, आप देख सकते हैं सिंगल ग्रैब रेल मिलती है जो कि सॉलिड मेटल ब्लैक कलर की है। आइए गाइस अब बात करते हैं रियर ब्रेकिंग सिस्टम की। जैसा कि मैं आपको बता ही चुका हूं, सिंगल चैनल ABS मिलता है, रियर डिस्क प्लेट साइज है 220 mm। इस बाइक के एग्जॉस्ट का पैटर्न कुछ इस तरीके का है, आप देख सकते हैं सिंगल मफलर मिलता है जो कि आपको ग्रे कलर में मिलता है। गाइस इस बाइक में आपको कोई भी किक स्टार्ट का फीचर नहीं मिलता है। आइए गाइस अब मैं आपको यह बाइक स्टार्ट करके दिखाता हूं, इसके सभी इलेक्ट्रिकल फीचर्स दिखाता हूं। इग्निशन को ऑन करते ही इसकी हेडलाइट लो बीम में ऑन हो जाती है, आप देख सकते हैं। इसके मैं आपको साइड टर्न इंडिकेटर भी ऑन करके दिखा देता हूं। रियर सस्पेंशन इसका जो है काफी ज्यादा सॉफ्ट है, कंफर्टेबल है। अब आप इसके इंजन का साउंड सुनिए, एग्जॉस्ट नोट सुनिए। आइए गाइस अब बात करते हैं इसके कंपटीटर की। जी हाँ गाइस, हीरो एक्सट्रीम 160R स्टेल्थ एडिशन की मैं आपको इसके फीचर्स बताता चलूंगा और साथ ही साथ यामाहा FZ-SV3 से कंपैरिजन भी करता चलूंगा। गाइस इस बाइक में आपको LED DRL मिलते हैं जो कि आपको यामाहा FZ-S में नहीं मिलते हैं। हेडलाइट आपको फुल LED में मिलती है, साइड टर्न इंडिकेटर आपको इस बाइक में LED में मिलते हैं, ये देखिए गाइस, जो कि नॉन फ्लेक्सिबल है, जबकि यामाहा FZ-S में आपको हेलोजन बल्ब के साथ मिलते हैं। फ्रंट सस्पेंशन की अगर बात की जाए तो इस बाइक में भी आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है। इस बाइक के फ्रंट मडगार्ड का डिजाइन जो है वो कुछ इस तरीके का है, ये देखिए गाइस। इस बाइक में भी आपको 17 इंचेस के अलॉय व्हील मिलते हैं, अलॉयज का पैटर्न कुछ इस तरीके का है। आइए गाइस अब बात करते हैं इस बाइक के फ्रंट टायर की। इस बाइक में फ्रंट में आपको MRF कंपनी का ट्यूबलेस टायर मिलता है, जिसका साइज भी मैं आपको दिखा देता हूं, जो कि है 180/17। गाइस इस बाइक में भी आपको सिंगल चैनल ABS मिलता है, फ्रंट डिस्क प्लेट साइज है 276 mm। इस बाइक के भी अलॉयज का पैटर्न मैं आपको यहां से दिखा देता हूं। आइए गाइस अब मैं आपको इस बाइक के टैंक का डिजाइन दिखाता हूं, जो कि कुछ इस तरीके का है। गाइस यहां पर कंपनी ने हीरो को स्टिकर से मेंशन किया है, उसके नीचे आप देख सकते हैं 3D में एक्सट्रीम स्टाइल को कंपनी ने मेंशन किया है, जो कि 3D में है। गाइस इस बाइक में आपको 12 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है। एक्सट्रीम के हैंडल का डिजाइन कुछ इस तरीके का है, आप देख सकते हैं। इसके आप ORVM के भी डिजाइन को देख सकते हैं। आइए गाइस अब बात करते हैं इसके लेफ्ट हैंडल पर कौन कौन से फीचर बटन दिए हैं कंपनी ने। डेडिकेटेड आपको यहां पर एक पासिंग स्विच मिलता है, जो कि काफी अच्छी बात है। यहां पर आपको लो बीम हाई बीम स्विच मिलता है और इस बाइक में आपको हजार्ड लाइट का भी स्विच मिलता है। जी हाँ गाइस, इस बाइक में आपको हजार्ड लाइट वाला फीचर मिलता है। उसके नीचे आपको साइड टर्न इंडिकेटर स्विच मिलता है, ये एक एडवांस लेवल का स्विच है। उसके नीचे आपको एक हॉर्न का स्विच मिलता है। आइए चलते हैं इसके राइट हैंडल पर। यहाँ पर गाइस आपको एक ही स्विच मिलता है, जिससे आप दो काम कर सकते हो, इंजन को किल भी कर सकते हो और इंजन को स्टार्ट भी कर सकते हो। इस बाइक की चाबी का डिजाइन कुछ इस तरीके का है, आप देख सकते हैं, जो कि नॉर्मल है, कोई भी आपको वेब की नहीं मिलती है। आइए फटाफट से इसकी चाबी को करते हैं इसके इग्निशन में इंसर्ट। जैसे ही इस बाइक के इग्निशन को ऑन करते हैं, वैसे ही इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की जो स्टार्टिंग है कुछ इस तरीके से होती है। इस बाइक में आपको फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, जिसकी डिस्प्ले में आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेंगी, जैसे कि टैकोमीटर, ऑडोमीटर, स्पीडोमीटर, ट्रिप मीटर, और इसमें आपको गियर शिफ्ट इंडिकेटर भी मिलता है। इसमें आपको डिजिटल क्लॉक भी मिलती है और इसी के साथ साथ आपको इसमें फ्यूल गेज भी मिलता है। इस बाइक में आपको कोई भी ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी नहीं मिलती है, कोई भी आपको मोबाइल की कनेक्टिविटी नहीं मिलती है, जबकि यामाहा FZ-S में आपको ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी मिलती है। गाइस यहां पर आपको एक USB-A चार्जिंग पोर्ट मिलता है, जिसकी सहायता से आप इमरजेंसी में अपने स्मार्टफोन को चार्ज कर सकते हो। ये फीचर आपको यामाहा FZ-S में नहीं मिलता है। इग्निशन को ऑन करते ही इसके DRL ऑटोमेटिकली ऑन हो जाते हैं। आइए गाइस अब मैं आपको इसका हजार लाइट वाला फीचर दिखाता हूं, ये देखिए गाइस फ्रंट से। आइए अब मैं आपको इसका रियर से भी दिखाता हूं। इग्निशन को ऑन करते ही इसकी टेल लाइट ऑन हो जाती है और हजार्ड लाइट का फीचर आप रियर से भी देख सकते हैं। इस बाइक में भी आपको सिंगल हॉर्न मिलता है और कंपनी फिटेड कोई भी आपको इंजन काउल नहीं मिलता है। आइए गाइस अब बात करते हैं इसके इंजन की। इस बाइक में आपको 163cc का सिंगल सिलेंडर एयर कूल BS6 Fi4 स्टॉक 2 वॉल्व इंजन मिलता है। इसके इंजन की मैक्सिमम पावर है 15 BHP की,
जो कि यामाहा FZ-SV3 से काफी ज्यादा है और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 40 न्यूटन मीटर का। हालांकि टॉर्क में उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन पावर में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है दोनों बाइक में। इस बाइक में भी आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ गियरबॉक्स मिलता है, जिसका पैटर्न है फर्स्ट टर्न ऑल अप, और इस बाइक में भी आपको साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ फीचर मिलता है। रियर सस्पेंशन की अगर बात की जाए तो इस बाइक में आपको 7 स्टेप राइडर एडजस्टेबल मोनोशॉक हाइड्रोलिक सस्पेंशन मिलता है। सीट कॉलर कंपनी ने 160R को मेंशन किया है। इस बाइक की सीट का डिजाइन कुछ इस तरीके का है, आप देख सकते हैं। इसकी सीट जो है राइडर के लिए कंफर्टेबल है, लेकिन पिलियन के लिए उतनी ज्यादा नहीं है, क्योंकि ये बीच में निकला हुआ है। हालांकि नया जो मॉडल आया है अपडेट होकर, उसमें अब सीट फ्लैट हो गई है। आप फ्लैट सीट वाली ही बाइक को खरीदें। यहां पर आप देख सकते हैं ड्यूल ग्रैब रेल मिलते हैं, जो कि सॉलिड मेटल ब्लैक कलर के हैं। आइए गाइस, अब बात करते हैं इस बाइक के रियर टायर की। रियर में भी गाइस आपको MRF कंपनी का ही ट्यूबलेस टायर मिलता है, जिसका साइज भी मैं आपको दिखा देता हूं, जो कि है 130/70 R17। इस बाइक में भी आपको रेडियल टायर मिलता है। आपको यामाहा FZS में भी रेडियल टायर मिलता है, लेकिन रियर वाला टायर यामाहा FZS का थोड़ा चौड़ा है। इसकी टेल लाइट आपको LED में मिलती है, साइड टर्न इंडिकेटर आपको LED में मिलते हैं, और नंबर प्लेट लाइट में कंपनी ने बल्ब का यूज किया है। रियर ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात की जाए तो जैसा कि मैं आपको बता ही चुका हूं, इस बाइक में आपको सिंगल चैनल ABS मिलता है। रियर डिस्क प्लेट साइज है 220mm। इस बाइक के एग्जॉस्ट का पैटर्न कुछ इस तरीके का है, आप देख सकते हैं। सिंगल मफलर मिलता है, जो कि आपको मैट ब्लैक कलर में मिलता है। इस बाइक में आपको एक एडिशनल फीचर मिलता है, ये देखिए गाइस, इस बाइक में आपको किक स्टार्ट का भी फीचर मिलता है। यामाहा FZS में ये फीचर आपको नहीं मिलता है। आइए गाइस, अब मैं आपको यह बाइक स्टार्ट करके दिखाता हूं, इसके सभी इलेक्ट्रिकल फीचर्स दिखाता हूं। जैसे ही इस बाइक के इग्निशन को ऑन करते हैं, इसके DRL और इसकी टेल लाइट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है। आइए गाइस, अब मैं आपको इसका हजार्ड लाइट वाला फीचर दूर से भी दिखा देता हूं। जैसे ही इस बाइक को स्टार्ट करते हैं, इसकी हेडलाइट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है। अब आप इसके इंजन का साउंड सुनिए और एग्जॉस्ट नोट भी सुनिए। गाइस, अब बात करते हैं प्राइस, माइलेज, वारंटी, फाइनल कंक्लूजन के साथ साथ मेरे फाइनल ओपिनियन की। यामाहा कंपनी अपनी FZS बाइक पर 2 साल की स्टैंडर्ड वारंटी देती है और 30,000 किलोमीटर तक स्टैंडर्ड वारंटी देती है। वहीं दूसरी ओर हीरो कंपनी अपनी एक्सट्रीम बाइक पर 5 साल की स्टैंडर्ड वारंटी देती है और 70,000 किलोमीटर तक स्टैंडर्ड वारंटी देती है। वारंटी के मामले में हीरो कंपनी आगे है। एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बात है, यदि आपके पास में इन दोनों बाइक में से कोई भी बाइक पहले से है, या फिर आप इन दोनों बाइक में से कोई भी बाइक खरीदने का प्लान बना चुके हो, तो आपको इन बाइक के स्पेयर पार्ट्स की भी जरूरत पड़ेगी और इनके एडिशनल एक्सेसरीज की भी जरूरत पड़ेगी। यदि आपके लोकल मार्केट में वो आपको नहीं मिल रहे हैं, या फिर आपको ज्यादा कीमत पे मिल रहे हैं, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, मैं आपको इन दोनों बाइक के सभी स्पेयर पार्ट्स के, सभी एडिशनल एक्सेसरीज के बेस्ट ऑफर बाय लिंक दे दूंगा, जहां पर आप क्लिक करके उनको आप हैवी डिस्काउंट पे मार्केट से कम कीमत पे खरीद सकते हैं। आइए गाइस, अब बात करते हैं माइलेज की। आप दोनों ही बाइक से मैक्सिमम 50 तक का माइलेज निकाल सकते हो, फिर वो आपकी राइडिंग पर डिपेंड करता है और आपकी बाइक की कंडीशन पर भी डिपेंड करता है। गाइस, आप केवल माइलेज का रफ आइडिया माने, क्योंकि इनकी जो माइलेज है वो इक्वल ही निकल कर आएगी। प्राइस की अगर बात की जाए तो हीरो एक्सट्रीम 160R स्टेल्थ एडिशन से यामाहा की FZS-V3 स्टैंडर्ड वेरिएंट में, इसका एक डिलक्स वेरिएंट और भी आता है, ये मैंने जो अभी आपको दिखाया है वो स्टैंडर्ड वेरिएंट है, ये उस बाइक से, किससे, एक्सट्रीम से लगभग 6,000 रुपए तक सस्ती है। जी हाँ गाइस, यामाहा की FZS-V3 से एक्सट्रीम 160R स्टेल्थ एडिशन 6,000 रुपए महंगी है। आइए प्राइस का भी एक रफ आइडिया दे देता हूँ। यामाहा की FZS-V3 आपको ऑन रोड स्टैंडर्ड वेरिएंट में 1,42,000 रुपए के आसपास मिल जाएगी, और वहीं दूसरी ओर हीरो की एक्सट्रीम 160R स्टेल्थ एडिशन आपको ऑन रोड मैक्सिमम 1,48,000 रुपए के आसपास मिल जाएगी। प्राइस का और माइलेज का आप केवल रफ आइडिया ही माने, क्योंकि ये फिक्स नहीं रहते हैं। आइए गाइस, अब बात करते हैं फाइनल कंक्लूजन की, कि कौन सी किसको बाइक लेनी चाहिए। यदि आपका बजट कम है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप यामाहा की FZS-V3 को ही खरीदें। यदि आप 6,000 रुपए तक एक्स्ट्रा खर्च कर सकते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एक्सट्रीम 160R स्टेल्थ एडिशन को ही खरीदें, क्योंकि इस बाइक में आपको ज्यादा पावर मिलती है, ज्यादा टॉर्क मिलता है,
एलईडी डीआरएल मिलते हैं, यूएसबी ए चार्जिंग पोर्ट मिलता है, हजार लाइट वाला फीचर मिलता है और आपको माइलेज फिर भी बराबर ही मिलती है। लेकिन गाइस ये बिल्कुल भी ना भूलें, यामाहा की FZ-SV3 में आपको ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी मिलती है। मेरे फाइनल ओपिनियन की अगर बात की जाए तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा हीरो एक्सट्रीम 160R स्टेल्थ एडिशन, क्योंकि आपको जो मैंने अभी एडिशनल फीचर्स बताए हैं वो आपको इसी बाइक में मिलते हैं। गाइस अब मैं यह उम्मीद करता हूं कि आपके सभी सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में आसान शब्दों में मिल गए होंगे और आपने अपने लिए इन दोनों बाइक में से एक बेहतर बाइक भी सिलेक्ट कर ली होगी। अब आपने जो भी बाइक सिलेक्ट की है प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं और आप रीजन जरूर बताएं कि आपने उस बाइक को क्यों सिलेक्ट किया है। यदि आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन करोगे तो मैं आपके कमेंट को इस वीडियो में पिन करूंगा, जिससे आपके कमेंट को लाखों लोग देख सकते हैं और उनकी बहुत ज्यादा हेल्प भी हो सकती है। अब आप एक काम और करिए, जो भी बाइक आपने सेलेक्ट की है उसकी जाकर डेडिकेटेड रिव्यू वाली वीडियो जरूर देख लें, चैनल पर अवेलेबल है। इस वीडियो में मैंने उस बाइक के सभी फीचर के बारे में नहीं बता पाया है क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो गई है। वीडियो का लिंक मैं आपको आई बटन में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है, यदि आपको इन दोनों बाइक में से कोई भी बाइक पसंद नहीं आई है तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस सेगमेंट में मैंने बहुत सारी बाइक्स का रिव्यू किया है जो कि हाल ही में लॉन्च हुई हैं या फिर जिनके पुराने मॉडल आते थे वो अब अपडेट होकर आ गए हैं। केवल इतना ही नहीं गाइस, मैंने इसी तरीके से उनका मैसिव कंपैरिजन भी किया है। मैंने डिटेल में बताया है कौन सी बाइक किससे बेहतर है, कौन सी बाइक किसके लिए बेहतर है। गाइस चैनल पर डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बनी हुई है बाइक की भी और बाइक कंपैरिजन की भी, सभी के लिंक मैं आपको आई बटन में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब मैं आपको एक पर्सनल सजेशन भी देना चाहूंगा, कोई भी बाइक खरीदने से पहले जो भी बाइक आपने सेलेक्ट की है उसकी जाकर आप डेडिकेटेड रिव्यू देखें, उसके बाद में उसके जितने भी कंपैरिजन अवेलेबल हैं वो जाकर आप जरूर देख लें, जिससे क्या होगा आप बाइक खरीदने में और भी ज्यादा सेटिस्फाइड कॉन्फिडेंट फील करेंगे, क्योंकि आप जिस सेगमेंट की बाइक ले रहे हो उस सेगमेंट में आपकी बाइक सबसे बेहतर होनी चाहिए। तो दोस्तों बस फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर कर दीजिए। अगर आपका कोई भी सवाल या फिर कोई भी सुझाव हो कमेंट करना ना भूलिएगा और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो टेक्निकल SST YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस और इंपॉर्टेंट वीडियोस, जी हाँ भाई इंपॉर्टेंट वीडियोस समय समय पर लाता रहता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।